गाइस हम आ चुके हैं हमारे एक और नए वीडियो में और आज के वीडियो में हम देखने वाले इंग्लिश का 3.3 द रोड नॉट टेकन वार्मिंग अप एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन सभी। तो वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टैंडर्ड 9 के हम वीडियो देख रहे तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वार्मिंग अप का, वहाँ पे फोटो के साथ आंसर दे दिया। अगर आपको फोटो क्लियर नहीं दिख रहा तो अपना वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा सकती है। राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट होते हैं, वहाँ पे जाके आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से जैसे आपको दिख रहा है। ये देखिए उसका सेकंड क्वेश्चन आ गया, उसका ए यहाँ पे आ चुका है और उसका भी यहाँ पे आंसर दे दिया फोटो में। तो इसके लिए आपको ज़रूरी हो जाएगा कि आप वीडियो क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए ताकि आपको सभी फोटो क्लियर दिखे और आपको इजी हो लिखने के लिए आंसर। तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया अभी तक तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो के हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो आपको जो भी लेसन चाहिए रहेगा कोई भी सब्जेक्ट का तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिला तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के या फिर कोई भी वीडियो के नीचे, हम वो कमेंट पढ़ते हैं और आपके लिए वीडियो जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं और इंटेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन का ये देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया है फोटो में। तो ज़्यादातर आंसर यहाँ पे फोटो में ही दिए तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा और सभी आंसर डाइजेस्ट ही दिए तो रॉन्ग आंसर आपको नहीं मिलेगा और सभी आंसर आपको राइट ही मिलेंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए इंटेक्स क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और उसका भी यहाँ पे आंसर दे दिया है। तो मुझे यकीन आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन आपको लाइक करने में कितना मेहनत लगेगा इस। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए फोर्थ क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन का और इसी के साथ इंटेक्स क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। तो देखिए इंग्लिश वर्कशॉप का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और ये जो है उसका क्वेश्चन सांजा और चारों सांजा के सेम आंसर है तो आप इसको आराम से लर्न भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये देखिए सिंबल्स डेट आर यूज्ड इन द पोएम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइडियाज़। तो देखिए फर्स्ट का आंसर है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, सेकंड का आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, थर्ड का एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, फोर्थ का बिकॉज इट वॉज ग्रैसी एंड नीडेड वियर, और फिफ्थ का है ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, थर्ड और फोर्थ में वो अलग अलग आंसर है, एक ही आंसर नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आगे बढ़ेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए रीअरेंज करने का था इफेक्ट्स को, तो ये एक शायद एक ब्रैकेट में, हाँ देखिए ब्रैकेट में लिखना था तो फोटो में यहाँ पे दे दिया मैंने उसका, तो आप इसको वीडियो क्वालिटी के ज़रिए आप इसको अच्छे से क्लियर देख सकते हैं। तो अभी देखिएगा ऐसे हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने आ गया है, थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया उसका ए और उसका यहाँ पे आंसर आ चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा जैसे मैंने बोला आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और अभी अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट गाइस जो कम्युनिटी पोस्ट चेक नहीं किया होगा वो भी आप चेक कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते सर्वे लेते और जो है वहाँ पे लिंक भी बहुत सारे प्लेलिस्ट के देते जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर जो अभी तक आपने हम देखे नहीं है एक्सप्लोर नहीं किए तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पे जाके। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग सी क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सी क्वेश्चन भी यहाँ पे आ चुका है और मुझे यकीन है आपको फोटो क्लियर दिख रहे होंगे, और अगर गाइस आपको आंसर रॉन्ग लग रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपके लिए अगर हो सके तो वो करेक्ट करके देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस मुझे यकीन आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा मेंबरशिप और वीडियो को देखते रहिएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये देखिए उसका यहाँ पे आंसर दे दिया है, मैंने ऐसा क्यों दिया क्योंकि जगह कम हो रहा था इसीलिए मैंने क्वेश्चन के ऊपर ही वो आंसर दे दिया है। तो मुझे यकीन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये देखिए उसका आधा आंसर यहाँ पर है क्योंकि बहुत बड़ा आंसर था इसीलिए आधा आधा आंसर करके देना पड़ा। तो अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है कि लेटर लिखने के आपको, तो ये देखिए यहाँ पे लेटर आ गया है और आप अपने हिसाब से एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे, जो एड्रेस दिया है लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने वो इंग्लिश वर्कशॉप के ऊपर से फ़ोटो दिया है क्योंकि जगह बहुत कम था जैसे कि मैंने बोला और इसीलिए यहाँ पे ऊपर से देना पड़ा। तो मुझे यकीन है गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में जैसे मैंने बोला, आपको लाइक करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।